हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की वीडियो में बात करेंगे ICAR मॉप अप राउंड रिजल्ट के बारे में, डॉक्टर राजन प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो पूसा समस्तीपुर में है उसके बारे में। जिन विद्यार्थियों ने मॉप अप के थ्रू यहां पर अप्लाई किया था उन सभी का स्टूडेंट्स का यहां पर UG का रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है। तो आप लोग क्या करेंगे, इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे, आपको यहां पर एक PDF मिलेगी, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, अब इस PDF पर देखेंगे वो स्टूडेंट्स की यहाँ पर लिस्ट एक दी गई है जिन विद्यार्थियों के यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ कोर्स, यानी कौन से आपको कोर्स में आप एलिजिबल हुए हैं, यहाँ पर आपको स्टूडेंट नाम दिया जाएगा। और अगर स्टूडेंट के नाम के यहाँ पर सामने आपका यस लिखा हुआ है, इसका मतलब वो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लिया गया है, उसका एडमिशन वहाँ पर हो चुका है। अब इस विद्यार्थी की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये विद्यार्थी क्या करेगा, वहीं पर आप PDF में देखेंगे यूनिवर्सिटी का बैंक अकाउंट, ठीक है, यूनिवर्सिटी का बैंक अकाउंट और वहाँ पर जो है IFSC कोड दिया गया है। अगर जो विद्यार्थी जिनका सिलेक्शन हुआ है, सपोज अगर इसमें से कोई भी स्टूडेंट्स अगर सीट को नहीं चाहता है तो वो अकाउंट पर पे नहीं करेगा, बट अगर वो सीट को चाहता है, वो सीट अगर लेना चाहता है तो उसको यहाँ पर 25 तारीख तक यानी 25/1/2021 तक फीस यहाँ पर सबमिट करनी होगी। ठीक है, आप PDF में देख लीजिएगा, वहाँ पर 15,000 करीब पर सेमेस्टर की फीस है, ज़्यादा फीस नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितने भी होते हैं उनकी फीस बहुत ही कम होती है, आप BHU हो या फिर रानी लक्ष्मीबाई हो, किसी का आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फीस पे करनी होगी। अगर आप फीस पे नहीं करते हैं तो आपकी जो सीट यहाँ पर मिली है वो स्टूडेंट ले लेंगे। अब यहाँ पर कई सवाल ये करते हैं स्टूडेंट्स, ये सीट जो यहाँ पर बचेगी अगर ये विद्यार्थी छोड़ देते हैं, इसको सीट को कौन लेगा, इसको वही एलिजिबल होगा जिन विद्यार्थियों ने मॉप अप थ्रू यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, यानी यहाँ पर अप्लाई किया है, वो स्टूडेंट्स कर सकते हैं। ICAR एग्जाम दिया था और उसके बावजूद भी अगर यहाँ पर अप्लाई नहीं किया है मॉप अप में तो उनको सीट एलिजिबल वो नहीं होगी। ठीक है, यानी ये उन्हीं के लिए है जिन लोगों ने केवल यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, यानी यहाँ पर अप्लाई किया था, वही केवल यहाँ पर जो है एलिजिबल होंगे। वो कब, जब ये लोग अपनी फीस को सबमिट नहीं करेंगे तब। ठीक है, चूँकि आपको पता है जब आप यहाँ पर फीस सबमिट कर देंगे तो आपके यूनिवर्सिटी में एक तो बहुत पुराना नोटिस हमने पहले बताया था आपको, यूनिवर्सिटी में जो फिजिकल वेरिफिकेशन, ठीक है, ऐसे विद्यार्थी फिजिकल वेरिफिकेशन, ऐसे विद्यार्थी जिन लोगों ने ICAR एग्जाम दिया था, ठीक है, तो ICAR एग्जाम देने वाले सभी विद्यार्थी का फिजिकल वेरिफिकेशन जो यहाँ पर डेट दी गई है वो 27 जनवरी 2021 है। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स, ये भी ये वाले विद्यार्थी भी जिनको मॉप अप में सीट मिला है, या फिर वो विद्यार्थी जो ICAR क्वालिफाई करके काउंसलिंग दौरान यहाँ पर गए थे, एलिजिबल हुए थे, ठीक है, तो वो लोग भी 27 तारीख को यहाँ पर वेरिफिकेशन है। आपको 27 तारीख में अपने जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो ले जाने होंगे। इसके बाद आपके यहाँ वहाँ क्या बताया जाएगा कि आपको हॉस्टल कैसे अलॉट होगा, आप कैसे क्लास चलेगी, इस तरह सारी जानकारी है वहाँ पर आपको दी जाएगी। ठीक है, तो ये छोटी सी एक अपडेट थी आप सभी के लिए। तो कोई अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करिएगा, और ऐसे भी दर्द जरूर कमेंट करें जिनका सिलेक्शन अभी भी किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ है, बट उनके नंबर अभी भी 350 के आसपास हैं, और यहाँ पर अगर एडमिशन हुआ है किस कोर्स में तो मुझे आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग एक नई अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।